ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السابقة سيد الخلق الخالق حامل الرسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لقد آتينا آل إبراهيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعزائي الكرام گفتگو کا موضوع ہے پانچویں امام محمد ابن علی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی حیات میں ہی کربلا کا تذکرہ جبکہ ابھی واقع ہی نہیں ہوا تھا رسول کی زبان سے جاری ہوتا ہے اور ایسے مقام پر کہ جب خوشی کا مقام ہے جب سرور کا مقام ہے مولا حسین ابن علی کی ولادت کا موقع ہے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر ایک مرتبہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہا رسول سے دریافت کرتی ہیں کہ آپ کلیا کیوں پیما رہے ہیں رسول انہیں اس فرزند کی شہادت کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب میری امت کا شقی ترین شخص میرے اس فرزند کو کربلا کے میدان میں شہید بس جناب سیدہ اس گفتگو کو سنتی ہیں اس بات کو سنتی ہیں تو وہ گریہ کرتی ہیں اور غمگین ہو جاتی ہیں جب رسول انہیں غمگین دیکھتے ہیں اور انہیں گریہ گناہ دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول انہیں ایسی خبر دیتے ہیں جس سے وہ مسکراتی ہیں اور وہ خوش ہوتی ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ
खुदा ने हजरत जिब्राइल के जरिए मुझे एक हदीस दी है जो लोहे महफूज में मौजूद है, और उस लोहे महफूज के अंदर उन इमामों का तज़किरा है, उन नौ इमामों का तज़किरा है कि जो इसी हुसैन के नस्ल से इस दुनिया की रहनुमाई के लिए खुदा की तरफ से मुकर्रर की है। बस जनाबे सैयदा इस खुशखबरी को सुनती हैं और मुस्कुराती हैं। इस हुसैन की नस्ल से इस हुसैन की ज़ुर्रियत में नौ इमाम मौजूद हैं कि जो हुज्जत खुदा हैं, अल्लाह की हुज्जत। इस हदीस का नाम क्या है? इस हदीस को कहते हैं हदीस नौ। जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने यह हदीस नौ की तख्ती रसूल से ली और किसे भी उन्हें भी जिनकी गुफ्तगु के लिए आज हम जमा हुए। किस तरीके से थी? उन्होंने ये हदीस नौ दे दी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। और यह हदीस नौ वो हदीस है कि जो शिया और सुन्नी दोनों कुतुब में मौजूद है। शिया कुतुब कहते हैं उसूल काफी कहते हैं, और अहले सुन्नत की किताब में अस्कानी कहते हैं, जिसमें इन नौ इमामों का तज़किरा है। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी यह हदीस नौ जनाबे सैयदा से दे देते हैं। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कौन थे? ये वो सहाबी हैं कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने खबर दी थी कि ए जाबिर, तुम वो हस्ती हो, तुम वो शख्सियत हो कि जो मेरे तमाम अस्हाब के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद वाहिद वो हस्ती कि जो मेरे उस फर्जंद से मुलाकात करेगी कि जो इल्म को दुनिया के अंदर फैला देगा, बातिउल उलूम होगा और उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेगी, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी इमाम सज्जाद अलैहि सलाम के जमाने में सन 61 हिजरी के बाद से लेकर 95 हिजरी तक इमाम सज्जाद की इमामत का दौर है। इस जमाने में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी गली कूचों के अंदर एक ही सलाह देते थे, अइना बाक़िउल उलूम, अइना बाक़िउल उलूम, या बाक़िउल उलूम, या बाक़िउल उलूम। लोग उन्हें कहते थे ये तो दीवाना हो गया, नाऊज़ु बिल्लाह, ये तो अपने होश और आवाज़ को खो बैठा है। लेकिन नहीं, बाक़िउल उलूम के तलाश के अंदर अल्लाह के रसूल के असहाब में से जो वाहिद हस्ती घुमा करती थी वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। क्यों? इसलिए कि जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की मुलाकात पांचवें इमाम से होती है तो वो ये हदीस नौ जो जनाब सैयदा ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को अमानत के तौर पर दी थी वो मौला बाकर अलैहिस्सलाम को जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी पूछा है। ये इमाम बाकर कौन है? ये वो हस्ती है कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, कैबला के मैदान में भी मौजूद थे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत की और खुद अपनी इमामत के ज़माने में भी खुदा की तरफ से हुज्जत खुदा ने कैबला के मैदान में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को मौला हुसैन ने जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है तो एक जुमला कहा आखिर वक्त में कि ऐ सज्जाद, अब खैमे में दो ही मर्द बचे, एक मैं हूँ या एक तुम हो। बात हुई बात हुसैन ये मौला मजबूर है कि अपनी ज़ुर्रियत को बताने बचाने के लिए, अपनी ज़ुर्रियत की हिफाजत के लिए ऐसे अल्फाज का इंतखाब कर रहे हैं जिन्हें किनाया कहा जाता है। मौला ने ये नहीं कहा कि मेरे इस खैमे के अंदर कोई मर्द इस तरीके से कोई मुजक्कर बच्चा भी नहीं बचा है, नहीं, क्या कहा, कोई मर्द नहीं बचा है। इसलिए कि बाद ऐसे फिसर थे, बाद ऐसे फर्जंद थे कि जिनसे इमामत को आगे बढ़ना थी वो मेरे और आपके मौला वाका इमाम मोहम्मद इमाम थे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बस चंद पॉइंट्स की सूरत में आपको पांचवें इमाम का कैबला से रबता जिक्र करना चाहता हूँ जिस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है। इमाम सज्जाद के बारे में तो ये अक्सर मकामात पर गुफ्तगू होती है कि कर्बला के मैदान में मौला हुसैन ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से क्या वसीयत की। तो सबसे पहली बात, कर्बला के मैदान में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का सिन मुबारक 4 साल का,
लेकिन ये चार साल वैसे नहीं थे जैसे हमारे यहाँ किसी आम बच्चे के चार साल, नहीं, इमाम अपने बचपने के अंदर भी खुदा की तरफ से अदा करदा नेमतों रहमतों के साये में वो रखवा होते मोहम्मद अकील सलाम वो हस्ती है जो सबसे कम से उम्र के अंदर इमामत के मंसब पर फाइज हुए। फिर भी लोगों ने ये कहा कि आप इमाम कैसे बन सकते हैं, तो उसको जवाब दिया कि जब ईसा के हवाले में ये कह सकते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब वजअलनी नबिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ जिसने मुझे किताब दिया मुझे नबी करार दिया जो गहवारे में होकर नबी बन सकता है, तो अल्लाह का रसूल जो खातमुन नबीयीन है अशरफुन नबीयीन है तमाम अंबिया से ज्यादा अशरफ है उनकी औलाद के अंदर इमामत के अंदर क्या खुदा ये मदद नहीं दे सकता कि कम से नहीं के अंदर इमामत मिल जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद चार साल की उम्र में, लेकिन इस सिन्न मुबारक के अंदर भी मौला हुसैन के एक एक खुतबे को ऐसे इंडेक्स करते हैं कि आखिर उम्र तक अहले सुन्नत के रावी भी उन्होंने भी रिवायत किया है कि हम कर्बला की रिवायत को अगर वालेकुम कर्बला की रिवायत को अगर जानना चाहते थे तो हम इमाम सज्जाद के बजाय इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत सुनते। कर्बला में तीसरे इमाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किन खुतबों को इरशाद किया लफ्ज व लफ्ज पांचवें इमाम ने उन तमाम खुतबों को हदीस में शुमार किया। और सिर्फ यही नहीं जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हो जाती है तो जिस सवारी के ऊपर तीसरे इमाम सवार थे जुलजना जब तनहा पलट कर आता है तो कोई और हस्ती नहीं है जिसने खेमों में आकर खबर दी हो वाहिद बच्चा कि जिसने जुलजना के तना आने की खबर दी है वो पांचवें इमाम का और कर्बला के बाद जब शाम की तरफ सवार होते कर्बला के पैगाम को पहुंचाया ऐसे पहुंचाया कि जब यजीद के दरबार में असीरान कर्बला मौजूद है तो यजीद अपने अतराफियों से ये कहता है कि मुझे मशवरा दो ऐ मेरे साथियों ऐ मेरे दोस्तों मुझे मशवरा दो कि मैं इन असीरों के साथ क्या करूं। तो अतराफी कहने लगते हैं उक्तुल हम जमीया इन सब के सबको पकड़ लो। उस वक्त जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी नहीं होती, इमाम सज्जाद खड़े नहीं होते, बीबी उम्मे कुलसूम खड़ी नहीं होती, उन्हें मालूम है कि शहादत हमारी विरासत है, पांचवे इमाम को भी मालूम है कि शहादत हमारी विरासत है, लेकिन वो इस हालत में कि जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी को जुमला कहा तो यजीद बच्चे को नाबालिग समझते हुए कत्ल नहीं करेगा, इसलिए वो खड़े होते हैं और ये जुमला कहते हैं ऐ यजीद तूने अपने अतराफ में कैसे अतराफियों को पाला है जो फिरऔन के दरबार में मौजूद अतराफियों से भी ज्यादा जलील पस्त खबीस और बेहिस है। यजीद ने कहा कि क्यों क्या हुआ ऐ बच्चे तू क्या कहना चाहता है। इमाम बाकर उसको जवाब देते हैं कि ऐ यजीद फिरऔन ने भी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं यजीद को ऐ यजीद फिरऔन ने भी जब अपने अतराफियों से मशवरा मांगा कि ऐ मेरे अतराफियों मुझे बताओ मैं इस मूसा और हारून के साथ क्या करूं तो उसके अतराफियों ने भी ये जुमला कहा उसके अतराफियों ने भी ये कहा जो जुमला तुमने कहा वो नहीं कहा बल्कि ये कहा कि ऐ फिरऔन इन्हें चंद दिन की मोहलत दे दो शायद ये सुधर जाए। लेकिन तेरे अतराफी कैसे हैं कि जो कह रहे हैं उक्तुल हम जमीया लेकिन याद रखना इस जुमले के कहने के लिए एक इल्लत है। यजीद ने कहा कि हाँ बात तो सही है कि मूसा और हारून के बारे में भी फिरऔन के अतराफियों ने वो बात ना कही जो मेरे अतराफियों ने कहा कही। इमाम बाकर ने अपने बचपने के जमाने में कर्बला की तबलीग की और जब 61 हिजरी के बाद ये कारवान मदीने की तरफ आ जाए तो मदीने में पहुंचने के बाद जब इमाम सज्जाद के साथ मौजूद हैं तो महला महला आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर
बल्कि उमैया की हुकूमत को खत्म करवाने वाली जवाद मुकद्दसा में से एक जात जिसका नाम है वो मोहम्मद बाकर की सिफत। इमाम बाकर की जात और जात थी कि जिन्होंने इमाम सज्जाद के जमाने में वो अहादीस, अगरचे के इमाम के बाद इमाम सज्जाद है, लेकिन वो अहादीस रसूल खुदा से नकल की और खुद इमाम सज्जाद से नकल की और खुद अपने दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल की कि जिससे लोगों के दरमियान पैगंबरा की अहमियत और वाकईयत और हकीकत मालूम होती। तो ये हदीस जिसे हम कहते हैं ज़ियारत आशूरा, ये किससे नकल की है? ज़ियारत आशूरा हम पढ़ते हैं सुबह शाम, ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, ये किससे नकल की है? ये ज़ियारत आशूरा क्या है? ज़ियारत आशूरा के बारे में मफातिहुल जनान के मौलिक के उस्ताद मुहद्दिस नूरी कहते हैं कि ये अहादीस कुदसिया में से एक हदीस है और खुदा ने वो अहादीस कि जो कलाम खुदा था, वो अहादीस कि जो अल्लाह के रसूल के साथ खुदा ने कलाम किया, उन अहादीस कुदसिया में से कि जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है ये कलाम खुदा, उन अहादीस कुदसिया में से एक ज़ियारत आशूरा किससे नकल की है? शेख तूसी की किताब मिसबाह में ये ज़ियारत आशूरा जिससे मफातिहुल जनान के अंदर शेख अब्बास कुमी ने नकल किया है वो सिलसिला सना जा कर मिलता है तो हमारे और आपके पांचवें मौला पापा इमाम मोहम्मद इब्न अली कदम कदम पर कर्बला की तहवीज करने और करवाने वाली जात का नाम पांचवें इमाम की जात। ये हस्ती वो है इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी हुसैन इब्न अली पर एक आंसू के कतरे के जरिए से गिरिया करता है, खुदावंद मुताल कामिल ज़ियारत की रिवायत है, खुदावंद मुताल उसके लिए हर आंसू के बदले में जन्नत में घर बना देता है। यही इमाम है फरमाते हैं कि कुतिल अल हुसैन मज़लूम है अच्छान है मकरूह है लाफान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे दादा हुसैन कर्बला के मैदान में मज़लूम शहीद हो गए, प्यासे शहीद हो गए, तकलीफ के हालत में शहीद हो गए, परेशान हालत में शहीद हो गए। फरमाते हैं पर जो शख्स भी परेशान हो, जो शख्स भी प्यासा हो, जो शख्स भी तकलीफ में हो, हुसैन इब्न अली की अगर वो ज़ियारत करेगा, कर्बला में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करेगा, खुदा हुसैन इब्न अली के वसीले से हुसैन इब्न अली के जरिए से उस शख्स की परेशानी को, उस शख्स की प्यास को इस तरीके से दूर कर देगा कि जिस तरीके से वो कभी प्यासा था ही नहीं, जैसे वो कभी तकलीफ में था ही नहीं। कर्बला की अहमियत को जिस जात ने रूहशनास करवाया है वो मेरे और आपके पास में मौला बाबा। लेकिन ये याद रखिए कि मोहब्बत अहले बैत फकत मोहब्बत का नाम नहीं है, यही मेरे और आपके मौला बाबा फरमाते हैं कि हमारे शियों में से वो शख्स है कि हमारे मुहिबों में से वो शख्स है कि मन अता ना जो हमारी इताअत करे और हमारी बातों को माने, लम यन ला यन को मोहब्बत ना तो गैर इताअत देना। ये कोई भी शख्स ये दावा करे कि हमें हुसैन से मोहब्बत है, हमें अहले बैत से मोहब्बत है, लेकिन हमारी इताअत ना करे तो वो हमारे शियों में से नहीं है, हमारे मोहब्बत करने वालों में से तो कहलाएगा लेकिन हमारे शियों में से नहीं, उसे हमारी मोहब्बत कोई फायदा ना पहुंचाए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी कर्बला के अंदर जो हस्ती ज़ियारत आशूरा को नकल करने वाली है वो यही ज़ात है और उन्होंने ये जुमला इरशाद फरमाया कि मन बका अलल हुसैन, जो शख्स भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गिरिया करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया करता है और उसे हजार हज के बराबर सजा देता है, हजार उम्र कामिल ज़ियारत की रिवायत है, हजार उम्र के बराबर सजा देता है, हजार दुआ करने मुस्तजाब दावत दुआ करने वालों के बराबर सजा दिया करता है, हजार सत्कर देने के बराबर सजा दिया करता है और आखिर में परवरदिगार आलम सबसे बड़ी जजा यह दिया करता है कि उससे अपनी मुलाकात का शर्फ मिला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
दरियाफ्त करते हैं कि आपके बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए किस तरीके से किया करते थे, तो जिस इमाम ने इमाम सज्जाद के किए के बारे में रिवायत जिक्र की है वो भी यही इमाम इमाम मोहम्मद आकिल मोहम्मद आकिल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी हुसैन इब्ने अली का जिक्र होता मेरे बाबा के सामने तो इस तरीके से क्रिया उजारी करते थे, इस तरीके से आओ रुका करते थे कि जिस तरीके से एक माँ जब अपने जवान फर्जन को खो बैठती है तो क्रिया रुका करती है। लोग पूछा करते थे कि मौला सज्जाद शहादत तो आपकी विरासत है, शहादत तो आप लोगों के लिए शरफ है, तो फिर आप क्यों इतना क्रिया करते हैं? तो कहते हैं इमाम सज्जाद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की जबानी इमाम सज्जाद कहते हैं कि हाँ शहादत हमारा शरफ है, शहादत हमारी विरासत है, लेकिन क्या ये भी हमारी विरासत है कि अहले बैत की मस्कूरात को कूफा और शाम के दरबार में बेगदौर के चादर घुमाया जाए? इज्जाने गिरामी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इस तरीके से अदाकारी करते हैं कि एक मरतबा कमीत शायर पांचवे इमाम के घर पर तशरीफ आता है और आकर कहता है मौला मैं आपके सामने चंद अशआर कहना चाहता हूँ, चंद मर्सी आपके सामने कहना चाहता हूँ। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अभी तो अय्याम में 20 है, वो अय्याम है कि जिनमें रोजा अपना मुस्तहब है, खुद तो अशआर ना पढ़ो। तो कबीर कहता है कि मैं आपके जब हुसैन इब्ने अली के लिए अशआर पढ़ना चाहता हूँ। इमाम फरमाते हैं इससे बड़ा फजल कोई फजल फरमाते हाँ अशआर पढ़ो। जैसे जैसे कबीते शायर इन अशआर को पढ़ता जाता था इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की हालत गैर होती जाती थी। एक एक शेर एक एक मिसरे एक एक बैत पर सुनने के बाद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की गाड़ी उनके आंसुओं से भर जाया करती थी, क्रिया करते थे और रुका करते थे। आजादारी को फरोग देने वाली हस्ती, कर्बला को फरोग देने वाली हस्ती, अपने घर में आजादारी बर्पा करने वाली हस्ती इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साथ। बाद लोग ये कहते हैं कि खूब आजादारी को हमें इस तरीके से तरबीत नहीं देनी चाहिए, हमें आइमा की जिंदगी के अंदर आजादारी कहाँ मिलती है? तो अज़ीज़ाने गिरामी अगर आप शिया कुतुब के अंदर अहादीस को जमा करें तो 60% हिस्सा हुसैन इब्ने अली के मसाइब पर रोने के लिए की फजीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक कर्बला के बारे में है, बाकी 20% हिस्सा फिक्र के बारे में है और बाकी का 20% हिस्सा अखलाक के बारे में है। यानी अगर आप अज़ादारी की रिवायात को झूठा कह दें और ये कहें कि ये ज़ईफ़ है और इन्हें तो दीवार पर मारा जाना चाहिए, तो नऊज़ुबिल्लाह आपने शिया कुतुब की अहादीस की मीराज के जो सबसे ज्यादा कसीर हिस्सा था उसे खैबार कह दिया, आपके पास मीराज शिया नहीं बची। 90% अहादीस कामिल ज़ियारत का एहतियात करके गए, कामिल ज़ियारत जिसमें अज़ादारी की फजीलत बयान की गई उसके अंदर उलमा ने बाद उलमा तो 100% के बारे में कहते हैं 90% एहतियात के साथ 90% अहादीस इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने के वालियों की है कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कर्बला के बारे में रिवायात जिक्र की है। और उलमा बाद उलमा का ये नजरिया था कि अगर किसी रावी के बारे में सच करना ये सर्च करना हो कि वो सच्चा है या झूठा तो ये चेक करो कि कामिलुल ज़ियारात के अंदर उस रावी का नाम है कि नहीं। अगर कामिलुल ज़ियारात में उस रावी का नाम है तो उस रावी से मंसूब जितनी भी हदीस है वो सच हो जाएगी। यानी रावियों की सदाकत रावियों के सिगा होने का मेयार बड़े बड़े कदीम उलमा के नजदीक और जदीद उलमा के नजदीक भी मुताखरीन के नजदीक भी इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा और आलिम खुरी रहमतुल्लाह के नजदीक भी कामिलुल ज़ियारात वो मदार था, वो दारो मदार था जिसके जरिए से पहचाना जाता था कि ये रावी किस पाये का है, कितने पानी में है। यानी अगर कोई रावी कर्बला की तारीख के बारे में किसी हदीस को जिक्र ना करे तो आप समझ लीजिए कि वो शियत की और रसूल की
सनातन को छुपाना चाहता है और रसूल की बयान करता आदि को छुपाना। तो अगर शिया मिराज के अंदर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब कैबला के बारे में रिवायतों को खत्म कर दिया जाए तो हमारे पास आदिश बचती ही नहीं है। 40% आदिश बचेगी जिनमें 20% फिक्र के बारे में और 20% अपना के, यानी हमारे अकायद और हमारे नजरिया मुसलमान से मंसूब जो रिवायत है वो आदिश है जो कैबला वतन है। बात नौजवान ये कहते हैं कि असादारी की आदिश तो रवा ने कर लिए नौजू बिला मिसाल है, तो क्या 60% अहादीस के बारे में आप ये नजरिया कायम कर सकते हैं कि 60% अहादीस जो बड़े बड़े मुसद्दक उलमा जिनके जरिए से आज हमारे पास शिया कुतुब मौजूद है, शिवा शिया रवायात मौजूद है, वो सब की सब बेकार है नौजू बिला मिसाल है। ये नजरिया फासिद और फाकिदुल एतबार है, इस नजरिए की कोई अहमियत नहीं। इसकी वजह यह है कि कोई शख्स कोई रावी उसकी सदाकत का अंदाजा इसी से होता है उसने कैबला के बारे में कितनी रिवायत है। चूंकि पांचवें इमाम ने अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़ा हिस्सा कैबला की तारीख को बयान करने में रजादारी को बेपा करने के लिए गुजरा, यही वजह है शाम बिन अब्दुल मलिक खालिद ने जब ये देखा कि ये इमाम वो इमाम है जिससे कैबला फैल रही है, कैबला पक्ष हो रही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंच रहा है, तो बस उनके कत्ल के दम पे होते हमरान वो रावी है कि वो कहता है कि मैं एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत करके अपने घर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर अल्लाह के रसूल के फर्जंद पांचवे इमाम खुद तशरीफ लाते हैं, जारी मोहम्मद उब्न अली खुद तशरीफ लाते हैं और आकर मुझसे गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद ये जुमला कहते हैं, ऐ हमरान तू जिसने हुसैन इब्न अली की ज्यारत की है इस हदीस को लिख कि जो शख्स भी मेरे मजलूम जद की ज्यारत करेगा, जो शख्स भी मेरे मजलूम जद की ज्यारत को जाएगा वो ये याद रखे कि ये ज्यारत वो ज्यारत है कि जिसके जरिए से अल्लाह के रसूल ने ये वादा फरमाया है कि जो शख्स भी हुसैन इब्न अली की ज्यारत करे वो नहीं पलटेगा मगर ये कि वो इस तरीके से पाक को साफ हो जाएगा जैसे कि उस दिन पाक को साफ था जिस दिन उसकी मां ने उसे पैदा किया। लेकिन याद रखिए इस्लामी ग्रामी ये ज्यारत सिर्फ ज्यादी खुलू पे मन वाला ना ऐ शियों याद रखना कि हमारी कब्रें हमारी कुबूर उन लोगों के उन मोमिनीन के दिलों के अंदर है कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कैबला की ज्यारत के लिए नहीं जा सकता या अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो कैबला की ज्यारत करे वो इमाम हुसैन की ज्यारत करे वो अगर ये चाहता है कि अहले बैत की ज्यारत करे तो उसे इतनी दूर कब्र पर जाने के लिए इतनी अगर कोशिश करनी पड़ती है तो ये पांचवे इमाम फरमाते हैं कि हमारी कब्रों की ज्यारत अगर करना चाहते हो तो हमारे शिया मोमिनीन के दिलों को खुश करो, उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ, उन्हें दुख दर्द न दो, तुम ऐसे हो जैसे तुमने हमारी ज्यारत की। ये वो हकीकत है कि जो आईमा हमें सिखा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारी ज्यारत को जाओ तो बात ऐसे अखबार है कि जो किसी का हाथ मार कर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला काम करते हैं, किसी का हाथ मारकर किसी पर जुल्म करके उससे जो पैसा कमाते हैं उसके बाद जाते हैं हज के लिए, उसके बाद जाते हैं कैबला की ज्यारत के लिए। हाँ वाकई फरमाने नहीं, हमारी ज्यारत अगर करना चाहते हो तो ये याद रखो हमारे मोमिनीन को तकलीफ ना पहुंचाओ तुम्हें हमारी ज्यारत का शर्फ हासिल है। ये इमाम वो इमाम है कि जिसने कैबला की और ज्यारत कैबला की इतनी अहमियत को बयान किया कि हश्याम बिन अब्दुल मलिक भी डर गया। एक मर्तबा हुक्म देता है
कि इस हस्ती को मेरे रास्ते से मिटा दिया जाए। बस एक शकी आता है एक घोड़ा लेकर और एक सवारी को लेकर और आता है इमाम बाकर की खिदमत में पेश करता है। इसने इस घोड़े की जीन के ऊपर जहर को मला दिया। इमाम के पास आता है, इमाम से कहता है आप उसका सवार हो जाए। इमाम कहते हैं कि नहीं, मुझे इसकी ना ख्वाहिश है और ना मुझे इतना बेहतरीन सोच घोड़े की तलब है। वो कहता है कि आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पर सवार हो जाए। इमाम कहते हैं नहीं, मैं इस पर सवार नहीं। बस ये एक मरतबा तलवार को नियाम से निकालता है और कहता है कि अगर आप इस पर सवार न होंगे तो आपको आज ही आपके सर को कलम कर दिया जाएगा। इमाम को बहुत मजबूर करके एक बड़ी तादाद के अंदर अफराद आकर इमाम को मजबूर करते हैं कि वो इस घोड़े पर सवार। बस इमाम इस घोड़े पर सवार होते हैं और इमाम के रानों के अंदर ये जहर सरायत कर जाता है और इमाम को तकलीफ पहुंचना शुरू होती है और ये जहर इमाम की शहादत का सबब होता है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा मौला, जब आपको इस जहर की शिद्दत से ये शहादत नसीब हुई, ये तकलीफ आपने बर्दाश्त की, तो बेशक आपने बहुत बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, आपने बहुत सख्त मुसीबत को बर्दाश्त किया, आपकी शहादत बहुत सख्त जहर से हुई, लेकिन मौला जब आपकी शहादत वाकई हुई तो आपके पास आपके फर्जंद इमाम जाफर सादिक मौजूद थे। जब आपकी शहादत हुई तो आपके 500 से ज्यादा शागिर्द मौजूद थे कि जिन्होंने आपके जनाजे को अपने कंधे पर उठाया, जन्नतुल बकी की तरफ ले गए, आपके बाबा के किनारे में आपके बाबा के बराबर में आपको दफन किया। लेकिन मौला मैं आपको तस बस तस करूंगा, आइए कर्बला के मैदान में आपके जग की जब शहादत वाकई होती है तो लोग नहीं आते। इस तरीके से तपती जमीन के ऊपर हमारी तमाम
हमारे तमाम गुनाहारे सगीरों कबीरों को बख्श दे। खुदा ने तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। खुदा ने तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे तमाम उम्मीद की मगफिरत पर। खुदा ने तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें कदम कदम पर अहले बैत की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। खुदा ने तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो मोमिनी जिस जिस हाजत को लेकर जिस मजलिस में आए पर परवरदिगार उनकी हाजत को रवा कर। खुदा या जो जो मोमिनी जिस जिस माली मुश्किल आते जिस जिस रूहानी मुश्किल में गिरफ्तार है रूहानी बीमारियों में गिरफ्तार है परवरदिगार उन सबकी माली और रूहानी मुश्किल को हल कर। खुदा या तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो मोमिनी जिस जिस परेशानी को जिस जिस तकलीफ को तेरे ईमान के साथ तुझ पर तवक्कुल करते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं परवरदिगार उनकी मुश्किल को आसान फरमा और उन्हें इस मुश्किल को बर्दाश्त करने की वजह से बड़ा शरफ और बड़ा मकाम मिलाया है। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमाए किराम का हाजी उजान का साया हम पर बाकी इंसानी का। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो शिया मजलूम है दुनिया के जिस कोने में भी है परवरदिगार तू उनकी मदद फरमा उनकी नुसरत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना की ज़बूर में ताजीर फरमा हमें उनके आहान और सार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउर रहीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम।